अपन पार्टी को लेकर सियासत अब तेज हो चुकी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनूठा प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेता तांत्रिक लेकर केईएम बिल्डिंग पहुंच गए और वहां पर तांत्रिक क्रिया की जा रही है, साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी नेता अक्षय कांति का भूत भगाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही एमजीएम कॉलेज के डीन और अक्षय कांति बम पर एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की जा रही है। तो अब तंत्र मंत्र वाली राजनीति हो रही है। चार तस्वीरें आपके सामने। तो केईएम बिल्डिंग पर हल्ला बोल, कांग्रेस का प्रदर्शन आप देख रहे हैं। तांत्रिक भगाएंगे भूत, ये तस्वीर, और हेलोबन पार्टी पर सियासत किस तरह से हो रही है, तस्वीर आपके सामने। क्या सरकार कितने दबाव में है, जबकि मुख्यमंत्री यहाँ के मुख्यमंत्री तो है ही, गृह मंत्री भी है और प्रभारी भी हैं। क्या अक्षय बम के इतने दबाव में है, प्रशासन जो है कार्रवाई नहीं कर रहा है, डॉक्टर भी इसका विरोध कर रहे हैं। बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं किंग एडवर्ड मेडिकल स्कूल के बिल्कुल बाहर मौजूद हूं। ये ऐतिहासिक धरोहर है और यहां पर जैन सोशल ग्रुप के सदस्यों के द्वारा एक भूतिया पार्टी की गई थी और जिसमें बीजेपी नेता अक्षय कांति बम भी शामिल हुए थे, और अक्षय कांति बम का फोटो सामने आने के बाद से ये बवाल और बड़ा हो गया। मेडिकल चिकित्सक जो एसोसिएशन है, सभी एसोसिएशन वो एकजुट हैं और कल पैदल मार्च में निकाला और वो एफआईआर की मांग कर रहे हैं। अब देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आज कांग्रेसी पहुंचे हैं और तांत्रिक को लेकर पहुंचे हैं और ये तांत्रिक यहां पर भूत भगा रहे हैं, और ये तस्वीर है अक्षय कांति बम का भूत भगाया जा रहा है। और कांग्रेस ने कहा है कि यहाँ पर भूतिया पार्टी हुई थी, यहाँ पर भूत है और उस भूत को भगाया जा रहा है। हालांकि साफ साफ कहा जा सकता है कि ये पूरी तरीके से एक नाटक और नौटंकी है, और कहीं ना कहीं से जो भूतिया पार्टी हुई थी उसको लेकर कांग्रेस की राजनीति देखने को मिल रही है। और ये देख सकते हैं आप इस वक्त गेट पर ये जो तस्वीर नजर आ रही है, इसमें भूत भगाया जा रहा है, भूत भगाया जा रहा है, भूत के साथ में हनुमान चालीसा का पाठ भी कुछ देर पहले यहाँ पर किया गया था, हवन की जा रही है। और ये तंत्र किया इस वक्त किंग एडवर्ड मेडिकल जो स्कूल का जो हॉल है, जो उसका गेट है, वहाँ पर तंत्र क्रिया चल रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और बातचीत करने का प्रयास भी करेंगे। ये यहाँ पर भूत भगा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल भूत भगा रहे हैं, जो नकली भूत बन के आए थे और बाकी में भूत बंगला बना दिया उसको। भूतों को भगाने के लिए हम जो है तांत्रिक और पंडित को लेके आए हैं, जो तांत्रिक और पंडित द्वारा भूत भगाने के लिए जो है यहाँ जो है हवन पूजन हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। यहाँ मंत्रों द्वारा और तांत्रिकों द्वारा धूप दीप देकर के और हनुमान चालीसा का पाठ करके और इस भगवान का मंत्रोच्चार करके यहाँ पे जो काल्पनिक भूत आ गए थे उनको भगाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं किंग एडवर्ड मेडिकल हॉल की, और देखिए इस वक्त हम भी गेट में मौजूद हैं जहां पर भूत भगाए। और आइए इस वक्त आपको रायपुर से सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। एनआईटी रायपुर का 14वां दीक्षांत समारोह है, जिसमें सीएम साहब शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का संकल्प लिया है, यह संकल्प आप लोगों के योगदान के बिना पूरा नहीं हो सकता। हमारा देश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है, इसी तरह छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए हम लोग भी इसमें बड़े बूस्ट की तैयारी कर रहे हैं। देश और प्रदेश को आप जैसी युवा प्रतिभाओं से बहुत उम्मीदें हैं। आज प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। यह नीति छात्र छात्राओं में ज्ञान के साथ साथ कौशल विकास पर भी जोर देती है। हमारी आने वाली पीढ़ी तकनीकी रूप से कुशल और उद्यमिता से भरपूर पीढ़ी होगी। प्रदेश के 160 आईटीआई का भी हम आधुनिकीकरण कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सड़क, रेल, हवाई और संचार नेटवर्क का विस्तार बहुत तेजी से किया जा रहा है। आने वाले दिनों में हमारे पास युवाओं की बहुत बड़ी टीम होगी, जो इस प्रदेश को अपने ज्ञान, कल्पनाशीलता और प्रतिभा से विकास की नई ऊंचाइयों पर स्थापित करने में सक्षम होगी। आज के इस दीक्षांत समारोह में ग्रेजुएट हो रहे छात्र छात्राओं को फिर से मैं एक बार बधाई देता हूं, सभी अभिभावकों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं,
और माननीय राष्ट्रपति महोदया का पुनः आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। और चलिए आगे बढ़ते हैं। सीहोर में बुधनी के बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव ने नामांकन दाखिल कर दिया है और इसी दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहे। इससे पहले बीजेपी ने रैली भी निकाली। रैली का जगह जगह स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि बीजेपी उपचुनाव में प्रचंड मतों से जीत दर्ज करेगी। तो वहीं केंद्रीय मंत्री का कहना था कि बुधनी मेरी कर्मभूमि है। उन्होंने भी बीजेपी प्रत्याशी की जीत का दावा किया। उत्साह उमंग के साथ आज जो नामांकन फॉर्म भरा है, यही बता रहा अपने आप में कि यहाँ भाजपा की प्रचंड बहुमत के साथ जीतने की लहर चल रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। कोई घर ऐसा बाकी नहीं रहेगा जो आज अपने इस कार्यक्रम में नामांकन फॉर्म की रैली में शामिल नहीं हुआ है। और बुधनी वो स्थान है जहाँ से हम 90 के बाद से यशस्वी हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान के साथ यहाँ जीत का परचम हमेशा लहराते आए हैं। सारे भाजपा का परिवार और परिवार के भाव से आज मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, महेंद्र सिंह जी, हम स्वयं हजारों हजार कार्यकर्ताओं के साथ रमाकांत जी का फॉर्म भरवाने आए हैं। आज हर घर आप बुधनी में देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का झंडा है। जनता के मन में प्रचंड उत्साह है, असीम उत्साह। और ऐतिहासिक वोटों से अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ के रमाकांत जी भारतीय जनता पार्टी की विजय का संकल्प है। क्योंकि यहाँ की तस्वीर और तकदीर अगर बदली है तो भाजपा की सरकार ने बदली। आईएएस अधिकारी शैलबाला मार्टिन एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। उन्होंने महामंडलेश्वर अनिलानंद को जवाब देते हुए कहा है कि आप किसी को देश से निकाल नहीं सकते। ये देश हम सबसे मिलकर बना है और सभी का इस पर बराबर का अधिकार है। इसकी खूबसूरती ही विविध धर्मों और संप्रदायों से है जिनके तीज त्योहार इसे और अधिक खूबसूरत बनाते हैं। लेकिन धर्म के नाम पर प्रदूषण फैलाना किसी को भी शोभा नहीं देता। सबको अभिव्यक्ति और गलत के खिलाफ बोलने की समान आजादी है। कोई किसी को अगर देश से निकल जाने के लिए कहता है तो वो असंवैधानिक है। उज्जैन से बड़ी खबर है, यहां पर शहर से